तो एनीमे देखते देखते मुझे इतना तो पता चल ही गया है कि कोई भी कैरेक्टर आपका ऑल टाइम फेवरेट नहीं रह सकता। सेम उसी तरह हॉलीवुड मूवीज़ का भी है। जैसे जैसे आप इनकी गलियों में घुसते जाएंगे, वैसे वैसे आपको नए नए और बैडएस कैरेक्टर्स मिलते जाएंगे। अब स्टार्टिंग में मैंने स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन देखा, उसमें मुझे आसुना पसंद आई और उसके जैसी हॉटनेस मुझे कहीं और नहीं मिली। उसके बाद मैंने हाई स्कूल DXD देखा, उसमें मुझे रियस पसंद आई और ऐसे ही करके आज हमारी क्रश मीकू है। सॉरी मैं तो दूसरी लाइन में घुस गया। तो एनिमे वर्ल्ड में ड्रैगन बॉल जेड के गोकू को कुछ ज़्यादा ही लव मिलता आया है और मिलेगा भी, क्यों नहीं, इतना गजब कैरेक्टर ही है वो। और उसी तरह सुपरमैन भी है जिसके पास बहुत सारे फैंस हैं। तो क्या हो कि ये दोनों आपस में भिड़ें। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ पैराडॉक्स एंड वेलकम टू अदर एपिसोड ऑफ एंटीक स्थान, जिसमें हम शोडाउन करेंगे सुपरमैन और गोकू के बीच। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब बात करते हैं गोकू की। तो अब जो महान लोग इसे नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि गोकू एक एनिमे कैरेक्टर है जो कि ड्रैगन बॉल जेड का सबसे खतरनाक कैरेक्टर है। अब बात करते हैं गोकू की पावर्स एंड स्ट्रेंथ के बारे में। तो इसकी पावर हम टू वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में गोकू 50 टन ईजिली लिफ्ट कर सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा पावर का यूज़ किए। अब बात करते हैं उसके हायर फॉर्म की। तो उस फॉर्म में गोकू 200 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का वेट लिफ्ट कर सकता है। एक बार वो अपने एक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में सिर्फ चेंज हुआ था, वो भी पहली बार के लिए, तो वो पूरा वर्ल्ड जो कि एंडलेस है, इन्फिनिटी है, वो शेक करने लगा था। और इसकी सिर्फ अपीरियंस से इतना सब कुछ होता है, तो सोचो जब वो कंटिन्यूसली यूज़ करने लगेगा तब क्या होगा। अब बात करते हैं गोकू की एबिलिटीज़ के बारे में। तो गोकू के पास बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एंट मैन के बेस्ट फ्रेंड लुइस द फ्लैश पैकर की हेल्प लेनी होगी। खैर जाने दो, वो तो वॉट इफ सीजन 2 के लिए वॉइस दे रहा होगा। तो हम सिर्फ मेन एबिलिटी यानी गोकू के की अटैक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि हैं की ब्लास्ट, डिस्ट्रक्टिव डिस्क, सोलर फ्लेयर, की बैरियर, और इसका सबसे फास्टेस्ट अटैक है स्पिट बॉम्ब। साथ ही ये लाइट की स्पीड से भी फास्ट फ्लाई कर सकता है, लाइट स्पीड से तेज रन कर सकता है और कभी भी कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। साथ ही उसके पास पावरफुल हीलिंग फैक्टर भी है। साथ ही वो की मैनिपुलेशन कर सकता है जिससे वो टाइम स्किप कर सकता है, और वो की ब्लास्ट क्रिएट कर सकता है जो कि बहुत पावरफुल होता है। अब बात करते हैं गोकू की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो एक बार जीरन ने अर्थ पे एक एनर्जी ब्लास्ट फेंका था जो कि अर्थ का एग्जिस्टेंस कुछ सेकंड में ख़त्म कर सकता है। उसको वो अपनी बॉडी पे ले लेता है और सर्वाइव कर जाता है। उसके बाद जीरन से फाइट करते वक्त वो बहुत मार खाता है, बट फिर भी वो उसके सामने उसको रोकने के लिए खड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं गोकू की वीकनेस के बारे में। तो इसकी वीकनेस बहुत ज़्यादा है। ये स्पेस में सर्वाइव नहीं कर सकता है, ये मॉर्टल है। साथ ही ये अपने आप को अपने ही पावर यूज़ करने से ऑलमोस्ट डेथ कंडीशन पे ला चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपरमैन की पावर्स एंड स्ट्रेंथ के बारे में। तो अभी तक मूवीज़ में इसके स्ट्रेंथ की एक्चुअल लिमिट नहीं दिखी है। अब हमने जस्टिस लीग में देखा था कि वो एक बड़ी सी बिल्डिंग को उठाकर ले जा रहा होता है, वो भी बड़े आराम से। और एक बार कॉमिक में उसने 200 बिलियन टन का वेट लिफ्ट किया था। साथ ही उसने डूम्सडे को सनराइज से पहले मारा था, जो कि आप जानते हैं कि सुपरमैन की पावर सनलाइट से आती है। इसने सन और अर्थ को उनकी जगह से मूव किया है, मून को डिस्ट्रॉय किया है और एक सीरीज में गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय किया है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि वो क्या क्या कर सकता है। अब बात करते हैं सुपरमैन की एबिलिटीज़ के बारे में। तो इसके पास बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले है सुपर स्ट्रेंथ, जो कि लिमिटलेस है, और अगर वो सन के पास होगा तो फिर तो बोलने के लिए शब्द ही नहीं होंगे। साथ ही इसके पास है एक्सरे विजन, जिससे कि वो किसी चीज़ के आर पार देख सकता है। हाँ मेरे सिंगल भाइयों, मुझे पता चल गया कि दिल में किस प्रकार के अरमान आ रहे थे। साथ ही इसके पास है हीट विजन, जिसे लेजर साइट भी बोल सकते हो। इसका टेम्परेचर सन के कोर से भी ज़्यादा है। साथ ही इसके पास है फ्रीज ब्रीदिंग। नहीं, ये डीमन स्लेयर वाली ब्रीदिंग नहीं है। यहाँ वो अपनी फूंक से आपको बर्फ में फ्रीज कर सकता है। साथ ही ये बहुत दूर तक सुन सकता है और देख सकता है। और साथ ही उसके पास है ज़बरदस्त रीजनरेटिंग पावर यानी हीलिंग फैक्टर, जो कि किसी काम का तो नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी ही इतनी हार्ड है कि कोई उसको कट या इंजरी नहीं होती। अब यही चीज़ उसको इमॉर्टल बना देती है। साथ ही वो लाइट को स्लो मोशन में देख सकता है, जिसका प्रूफ जस्टिस लीग में दिख चुका है।
अब बात करते हैं सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो इसका गेस हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि अर्थ की एक पिन से लेकर न्यूक्लियर वेपन्स भी इसके आगे खिलौने जैसे हैं। अर्थ की कोई चीज़ इसको एक स्क्रैच तक नहीं दे सकती। इसने दो प्लैनेट के कोलिजन को झेल लिया था और ये कई साल के लिए सन के कोर में जाके बैठ चुका है, जिसके बाद भी इससे कुछ नहीं हुआ। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इसके पास कितनी ड्यूरेबिलिटी है। अब बात करते हैं सुपरमैन की वीकनेस के बारे में। तो इसके कुछ लिमिटेड वीकनेस हैं। ये सन से जितना दूर होगा उतना उसकी पावर कम होती जाएगी और अर्थ की कोई चीज़ इसको स्क्रैच नहीं दे सकती। बट इसके होम प्लैनेट यानी क्रिप्टॉन के वेपन इसके लिए डेंजरस हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टोनाइट स्पेयर, जिसे हमने बैटमैन और सुपरमैन में देखा था। रिजल्ट, तो हमने दोनों कैरेक्टर की बात कर ली, तो क्या लगता है कौन जीतेगा? गोकू, मैं ऑडियंस के ऊपर छोड़ता हूँ, यानी कि अब आपको डिसाइड करना है कि कौन जीत सकता है। तो ये था मेरा ओपिनियन सुपरमैन वर्सेस गोकू के बीच के शोडाउन का। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस वीडियो से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है। अब अगर आप 2022 में आने वाली ब्लैक क्लोवर की मूवी के प्लॉट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंटिक स्थान। Say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. She say, do you love me?